टॉपिक हमको पढ़ना है, उसको बोलते हैं हम लोग प्लैंक क्वांटम थ्योरी। क्या पढ़ना है? प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ठीक है, जैसे सर ने बोला था कि किसको पार्टिसिपेट करना है, तो जो भी कोई टेक्स्ट बुक है पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट की, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जब सब्जेक्ट कोई भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो टेंथ में आता है, नाइन्थ में आता है, तो मतलब अभी उठाना है आके आधा घंटा टाइम पास करना है। ठीक है, चांस मिलता है तो ले लेना चाहिए, मजा आता है, हमको भी पीछे बैठने के लिए मिलेगा, कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, हो सकता है। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में सबसे पहले को देखना है कि उन्होंने बोला था कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है, क्या बोलते उसको हम लोग, बोला कि मैटर जो है वो एक पूरा एक साथ नहीं होता है, तो मैटर जो है वो छोटे छोटे बन है। तो मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे, ऐसा उन्होंने लाइट के बारे में बोला है कि जब भी हम कोई लाइट देखते हैं या कोई लाइट आ रहा है तो हमको लगता है कि ये पूरा का पूरा एक ही लाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लाइट होता है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है, और उस सबसे छोटे पार्टिकल को बोला जाता है फोटॉन, क्या कहा जाता है, फोटॉन। तो लाइट का सबसे छोटा पार्ट होता है फोटॉन, और मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है एटम। वैसे ही जो एनर्जी होता है, जो एनर्जी होता है, ठीक है, तो सपोज हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे बॉडी के ऊपर सन के रेज आ रहे हैं, और सन के रेज आने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका मतलब एनर्जी जो रहेगा वो ट्रांसफर हो गया है उस रेडिएशन से हमारे बॉडी में। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो एकदम से नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली होता जरूर है, लेकिन वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, पहले थोड़ा सा एनर्जी आएगा, और थोड़ा सा एनर्जी, और थोड़ा सा एनर्जी, और थोड़ा सा। तो इसी प्रकार से ये एनर्जी जो है ये भी छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है, और इस छोटे पार्ट को कहा जाता है क्वांटा, क्या कहा जाता है, क्वांटा, और क्वांटा से बनता है क्वांटम। ठीक है, तो तीन बातें, मैटर बना हुआ है एटम से, लाइट बना हुआ है फोटोन से, और उसके बाद एनर्जी बना हुआ है क्वांटम से। ये तीन बातें पहले बताइए कि इससे ये पता चलेगा कि ये एक साथ नहीं है, पूरा एक ही एनर्जी नहीं होता है, वो तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, और सबसे छोटा पार्ट रहेगा क्वांटम। फिर प्लैंक्स ने क्या किया, जो भी कोई रेडिएशन है, जो भी कोई रेडिएशन, अब तक तुमने बोला कि सन का रेज हमारे बॉडी के ऊपर आ रहा है, तो सन का रेज है तो हमारे बॉडी के ऊपर आएगा तो हमारे बॉडी का एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब वो जो रेडिएशन आ रहा है उस रेडिएशन के अंदर एनर्जी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। फिर क्या किया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रिक्वेंसी का लाइट इमिट किया, मतलब यहाँ पे हमने पेन रखा है, इस पेन के ऊपर पहले हमने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का लाइट हमने इसके ऊपर इमिट किया। अब लाइट आएगा तो लाइट के अंदर एनर्जी है, और उस एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हमने इसका टेम्परेचर मेजर किया। उसके बाद रेडिएशन को चेंज किया, दूसरे फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन लाया, और उस रेडिएशन की इसके सर बॉडी के ऊपर इमिट किया, इसका टेम्परेचर फिर से चेंज हुआ, तो इसका टेम्परेचर हमने मेजर किया। ऐसे वन बाय वन करके हम लोग रेडिएशन को चेंज करते गए, और उस रेडिएशन को इमिट करने की वजह से इसके बॉडी में जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा था उस टेम्परेचर के चेंज को मेजर करते, तो पता ये चला कि जो भी रेडिएशन है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा था उतना ही, मतलब जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था उसने इस बॉडी को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई किया, और जिस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम था उसने इस बॉडी को एनर्जी कम सप्लाई किया। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्टली या इनवर्सली, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला लाइट था तो इसका एनर्जी ज़्यादा बढ़ गया था, और कम फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन हमने यूज़ किया तो इसका एनर्जी भी कम हो गया था। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका एनर्जी ज़्यादा रहेगा, और जितना एनर्जी ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी इसको क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो प्लैंक्स ने ये बोला था कि हम डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी का लाइट यूज करेंगे और उनका एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी,
एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो इफ किसी भी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसका मतलब उसका एनर्जी बढ़ जाएगा, और इफ उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है तो एनर्जी कम हो जाएगा। जैसे आपने कुछ दिन पहले बोला था कि जो ऑडिबल रेंज होता है वो होता है 20 से लेकर 6.626 × 10⁻³ J/s यूनिट है उसका जूल सेकंड। पढ़ा था तो पहला फॉर्मूला कौन सा देखा था?
फॉर्मूला UV इक्वल्स टू सी आर अपॉन लैम्डा, और तीसरा इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है न्यू, और न्यू का मतलब क्या होता है सी आर अपॉन लैम्डा। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा E इक्वल टू एस इन टू ई अपॉन लैम्डा। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं भाई, एक और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसका काम एक ही है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इन दोनों का रिलेशन बताना। तो इन्होंने फ्रीक्वेंसी और एनर्जी का रिलेशन बताया, वहां से हमने वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन फाइंड किया। तो कल मैंने आपको बोला था वो स्पेक्ट्रम बोला था कि हम लोग गामा रे से रेडियो वेव की तरफ जाते हैं तो एनर्जी वेवलेंथ बढ़ता है कम होता है, वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका रहेगा, गामा रे का, उसके बाद एक्स रे का, और सबसे कम किसका रहेगा रेडियो वेव। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एनर्जी को भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी क्लोज करता हूँ। क्रिकेट पता है, क्रिकेट खेला है कभी, देखा है खेलते हो, फुटबॉल, दोनों का काम नहीं है। तीसरे गेम का काम है गोल, गोल पता है। ठीक है, तो बॉल जो होता है वो ऐसे डंडी के ऊपर रखा जाता है और इधर से उसको जो बॉल कितना दूर जाएगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने स्पीड से हमने इसको बीट किया, जितने ज्यादा एनर्जी से हम लोग इसको बीट करेंगे उतना ये ज्यादा फास्ट जाएगा, और जितने ज्यादा फास्ट जाएगा उतना ज्यादा दूर जाएगा। अभी ये बॉल रेस्ट पे है, इमेजिन करने बॉल है, अभी ये बॉल रेस्ट में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे और ये फास्ट इधर जाएगा तो इसके स्पीड में होने की वजह से इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी, काइनेटिक। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये डिपेंड करता है कि हमने कितने फास्ट इसको मार दिया। ठीक है, दूसरी बात, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे हाथ में मैंने एक बॉल रखा हुआ है। ठीक है, इस बॉल है, इस बॉल यहाँ पे थोड़ा सा फिट है, मतलब स्टिक है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सरफेस और बॉल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और मैंने बोला कि इस बॉल को निकालने के लिए मिनिमम 2 जूल एनर्जी चाहिए, कितना, और इसको मैंने 1 जूल एनर्जी सप्लाई किया, तो क्या ये यहाँ से निकलेगा, इनके बीच में बॉल और सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि उस बॉल को बाहर से निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए, कितना, और मैंने इसको कितना जूल एनर्जी सप्लाई किया, तो ये बॉल यहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको चाहिए कितना, और सप्लाई कितना किया, मिनिमम चाहिए कितना, और ये मिनिमम जो अमाउंट होता है ना उस मिनिमम अमाउंट के लिए वर्ड यूज करते हैं और उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, जैसे हमने बोला कि 100 मार्क्स का एग्जाम दिया और पास होने के लिए हमने 35 मार्क्स का लिमिट रख दिया, तो थ्रेशोल्ड मार्क्स कितने हो गए, उससे कम है तो फेल, उससे ज्यादा है तो पास। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम। वापस आते एक्सपेरिमेंट की तरफ, तो यहाँ पे हमने बॉल रखा है और इस बॉल को यहाँ से निकालने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए, कितना, मैंने इसको 4 जूल एनर्जी सप्लाई किया एक साथ, क्या होगा, मतलब जो स्टिक था ना वो स्टिक मैंने हीट कर दिया और जो स्टिक हीट कर रहा था उस टाइम पे उसके अंदर एनर्जी का 4 जूल था, तो 4 जूल में से 2 जूल एनर्जी खर्च किसके लिए करेगा, इस बॉल को निकालने के लिए, और बचा हुआ 2 जूल एनर्जी किसके लिए सप्लाई करेगा, उसको भगाने के लिए। ठीक है, वो 4 जूल में से 2 जूल एनर्जी खर्च हुआ इसके लिए बॉल को रिमूव करने के लिए, और बचा हुआ 2 जूल एनर्जी उस बॉल को सप्लाई किया, तो अब उस बॉल का काइनेटिक एनर्जी कितना है, कैसे फाइंड किया,
जितना एनर्जी सप्लाई किया वो इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए एनर्जी कितना लगेगा वो सही है ना। सपोज मैंने बोला इसको रिमूव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए और मैंने सप्लाई किया 10 जूल, तो 10 जूल में से 2 जूल एनर्जी खर्च होगा किसके लिए, उसको निकालने के लिए, पता कितना, वो 8 जूल एनर्जी हमने उसको सप्लाई किया तो उस बॉल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, समझ में आ गया। तो इसके लिए थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है, तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम, तो यहाँ पे मिनिमम कितना एनर्जी सप्लाई करना है तो इसको बोलेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और थ्रेशोल्ड एनर्जी का सिंबल रहेगा E0, क्या रहेगा, E0। तो कहीं पे भी E0 लिखा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी जीरो है, E0 का मतलब होता है उसको वहां से निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए। उससे कम एनर्जी रहेगा तो वो बॉल नहीं निकलेगा, उससे ज्यादा एनर्जी रहेगा तो बॉल निकलेगा। अब ये सुनाई देने के लिए वेव मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मिनिमम तो होना चाहिए ना, और मैक्सिमम। तो अब मैंने पूछा ऑडिबल रेंज का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, समझ में आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि थ्रेशोल्ड हमेशा एनर्जी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो थ्रेशोल्ड का सिंपल मतलब क्या हुआ, मिनिमम, तो मिनिमम कितना चाहिए। दुकान में चॉकलेट खरीदने के लिए चॉकलेट का प्राइस है 40 रुपये, आपके पास 30 रुपये है, थ्रेशोल्ड अमाउंट कितना है, लेकिन आपके पास कितना है, तो चॉकलेट देगा वो, नहीं देगा। और आपके पास 45 रुपीज है तो देगा, ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जितना चाहिए उतना है तो बॉल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला था कि जो भी कोई रेडिएशन है उस रेडिएशन के पास क्या है, और वो कहाँ से पता करेंगे, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास एक मेटल का ब्लॉक है, इसका बॉल ब्लॉक मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है गेन करता है, अरे मेटल और नॉन मेटल में से इलेक्ट्रॉन लूज करने का काम कौन करता है, मेटल, जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करता है नॉन मेटल, ठीक है। तो अब ये जो मेटल है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम दुकान में जाते हैं दुकान में से किसी चीज को खरीदते हैं मतलब वहां से बाहर निकालते हैं तो उसके बदले में उसको वो हम सब पैसे देते हैं दुकानदार, हम देते हैं ना। तो वैसे ही इस मेटल में से हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसके बदले में उसको एनर्जी देनी होगी। अब ये एनर्जी देंगे कहाँ से, तो हम यहाँ से लाइट को इमिट करेंगे इस मेटल के सरफेस के ऊपर, इसको इमिट करेंगे लाइट, और लाइट को नॉर्मली इंडिकेट किया जाता है एक्स न्यू से। तो जहाँ पे भी एक्स न्यू करके लिखा जाता है तो समझ जाना वो क्या है, लाइट है। और इस लाइट का में एक्स जो है वो क्या है, लैंग्स कॉन्स्टेंट, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। और यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एनर्जी का रेडिएशन लाइट हमने यहाँ से पास किया, इसको पास किया लाइट है। अब यहाँ पे तो मेटल है, मैंने बोला था मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके बदले में हमको क्या करना होगा, उसको एनर्जी देना होगा। और इसने बोला कि मुझे अपना मतलब आपको मेरा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बदले में 20 जूल एनर्जी देना होगा, कितना, 20 जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास मतलब इस लाइट के पास मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए, तो मैं इस 20 जूल को बोल सकता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, बोल सकता हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम जो ये E का मतलब होता है एनर्जी ऑफ लाइट और E0 का मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो हमको थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू पता है कितना है, 20 जूल। अब यहाँ से हमने 10 जूल एनर्जी को सप्लाई किया, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पावर निकलेगा। अब एनर्जी को बढ़ा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट में से थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है। अब एनर्जी को बढ़ा के मैंने 15 जूल कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब इसको और बढ़ा के मैंने एनर्जी कर दिया है 25 जूल, तो अब
इस लाइट रेडिएशन के पास, इस लाइट के पास कितना एनर्जी है? 25 में से वो कितना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्च करेगा? तो बचेगा कितना? ये 5 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना ऐसा होगा? यहाँ से हमने किसको इमिट किया? लाइट। और लाइट छोटे छोटे पार्ट का बनता है, उसको क्या बोलते हैं? फोटॉन। मतलब इनडायरेक्टली हमने यहाँ पे फोटॉन को यूज किया। किसको यूज किया? फोटॉन को। और किसको बाहर निकाला? इलेक्ट्रॉन। किसको बाहर निकाला? इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेगा? व्हेन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ लाइट, इन दोनों में से क्या ज्यादा होना चाहिए? एनर्जी ऑफ लाइट, तब जाके ये बाहर निकलेगा। अब मुझे फाइंड करना है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसका काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ लाइट, और एनर्जी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। नहीं समझा फिर से। मुझे इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ लाइट करूं या एनर्जी ऑफ लाइट माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी? तो फॉर्मूला ऐसा लिख सकते हैं, E माइनस E जीरो। पक्का? बट E इक्वल्स टू एच न्यू। अब बोलेंगे सर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने? कांस्टेंट सभी के लिए सेम ही रहेगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, E equals to h nu और E zero equals to h nu zero। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। और सिंप्लीफाई करेंगे तो एच इज ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो। ये किसका फॉर्मूला हुआ? काइनेटिक एनर्जी। किसका काइनेटिक एनर्जी? लेकिन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक और हमारे पास है, 1/2 एम वी स्क्वायर। एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया? ए इक्वल्स टू बी और ए इक्वल्स टू सी, देयरफॉर बी इक्वल्स टू सी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इन ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू जीरो। नहीं समझा? फॉर्मूला कैसे बना वो समझ में आ रहा है? दो बात है, तो फॉर्मूला रट्टा मार रहा है तो कैसे समझे वो पता करो। कौन सा अच्छा है? रट्टा मारना। पर एक बार याद कर लिया हो गया, एग्जाम खत्म भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगा। क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है, क्वेश्चन यहाँ पे भी आ सकता है। एक बात और, यहाँ पे जो ये न्यू जीरो है, ई जीरो है, कौन है ई जीरो? मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसके लिए एक और स्पेसिफिक वर्ड आता है, वर्क फंक्शन करके। इसका काम कुछ है नहीं, बस नाम याद रखो, वर्क फंक्शन करके। इसका रीजन बता दो। कभी कभी क्या होगा, वो बोलेंगे कि हमने जो लाइट इंसिडेंट किया है उस लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना है, फ्रीक्वेंसी, और उसका वर्क फंक्शन इतना था। इसका इस मेटल का वर्क फंक्शन इतना है, तो आपको पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो ई जीरो का वैल्यू कितना रहेगा? इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। और जो ई जीरो का वैल्यू रहेगा वो किसका रहेगा? एच न्यू जीरो। तो जो वर्क फंक्शन का वैल्यू है वही किसका वैल्यू रहेगा? एच न्यू जीरो। उन्होंने इंसिडेंट ये वाला जो लाइट आया था उसका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है। अब बचा कौन? एच क्या है? मुझे बताओ यहाँ पे एन ए और के दोनों में से किसका एटम बड़ा है और किसका एटम छोटा है? किसका साइज छोटा है, किसका साइज बड़ा है? एन ए का साइज बड़ा है और के का साइज छोटा है? उल्टा बोला मैंने? हाँ।
ए का साइज बड़ा है और एन ए का साइज छोटा है, आपको कैसे पता? एन ए के पास ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है, तो एन ए के पास कितने शेल है? तीन। ए के पास ये रहेगा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इसका साइज बड़ा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में कौन सा पोजिशनल अट्रैक्शन बनता है? तो आप मुझे बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम और न्यूक्लियस के बीच का पोजिशनल अट्रैक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ के और न्यूक्लियस इसके बीच का पोजिशनल अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कैसे पता चला? जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एन ए और के में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करना पसंद करेगा? और कौन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद नहीं करेगा? तो किसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी कम रहेगा? तो किसके लिए वर्क फंक्शन का वैल्यू कम रहेगा? तो कभी कभी ऐसा भी पूछेंगे कि इसका वर्क फंक्शन इतना है, इसका वर्क फंक्शन इतना है, तो आप मुझे बताओ किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा? तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। नहीं समझा? इसलिए डिफिकल्ट है। मीडियम नहीं समझा तो बहुत अच्छी बात है, टेंशन नहीं। तो किसको इमेज किया? किसके सरफेस में से? किसको यूज करके? तो इन दोनों को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यह है इस टॉपिक का नाम, कौन सा? किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो क्या बोलेंगे? फोटो का मतलब होता है फोटोन, फोटोन का मतलब होता है लाइट, तो फोटोन को यूज करेंगे मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का ये जो फोटोन का इफेक्ट होता है इसको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोन को यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, फोटो काम क्या है? इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर दौड़ते हुए जाएगा वो कितने स्पीड से जाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, ये फाइंड करना है। एक बार देख लो समझ में आए तो लिख देना है, नहीं तो भी लिखना है। ये A equals to B है और A equals to C है, तो B equals to C होगा, तो 1 by 2 mv square equals to h in bracket nu minus nu v। दो होते हैं potential energy, दूसरा kinetic energy। थ्रेशोल्ड का मतलब मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हो सकता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है।